छोटा बच्चा लेकर के आए हैं, फिर भी तो सरकार सुन नहीं रही है। जितना भी सहायक पुलिस है अस्थाई कर देंगे, तो अस्थाई आज क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना बारिश में हम लोग को तड़प तड़प के रह रहे हैं, कितना पानी में हम लोग भींग रहे हैं, बच्चा को देखना, अपना जीवन देखना। सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज होने के बाद लगातार तीसरे दिन मोराबादी मैदान में जो सहायक पुलिसकर्मी हैं लगातार आंदोलन जारी है। इनका साफ तौर पर मांग है कि जो झारखंड पुलिस है उनके साथ समायोजन किया जाए। इनकी अन्य मांगे हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसको लेकर सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी का अब जो है दिन पर दिन अब जो परेशानी है वो बढ़ते जा रहा है। इसके जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके साथ काफ़ी संख्या में जो है महिला से जो सहायक पुलिसकर्मी है इनके साथ धीरे धीरे परेशानी बढ़ते जा रहा है। दीदी, आपके साथ छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लेके आए हुए हैं, किस तरह का परेशानी आ रहा है आप लोगों को? छोटा बच्चा लेकर के आए हैं, फिर भी तो सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जब वोट लेना रहता है ना, तो गांव-गांव जाएंगे तो क्या क्या वादा करते हैं, सरकार को खुद ही पता होगा। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादा कहाँ गया? जिस समय वोट लेना था उस समय बोल रहे थे कि जो भी अनुबंध कर्मी है अस्थाई कर देंगे, जितना भी सहायक पुलिस है अस्थाई कर देंगे, तो अस्थाई आज क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना बारिश में हम लोग को तड़प तड़प के रह रहे हैं, कितना पानी में हम लोग भींग रहे हैं, बच्चा को देखना, अपना जीवन देखना, हम लोग को बहुत मुसीबत झेलना पड़ रहा है। सरकार को आँख खोल के देखना चाहिए, कम से कम हम लोग के साथ में, हम लोग जानवर थोड़ी हैं, खा जाएंगे उनको? हम ही लोग तो दिन रात उनको सेवा में लगे रहते हैं। सर, आप आइए, हम लोग से मुलाकात कीजिए, हम लोग सभी लोग सुरक्षा में चारों तरफ से आप लोग आपके घेरे लगा के रखेंगे, कुछ आपको कुछ घटना भी नहीं होने देंगे। आइए तो कम से कम पूछने तक आइए कि कैसे रह रहे हैं। जो हम लोग को अस्थायीकरण मांग है, अस्थायीकरण हम लोग को होना चाहिए, इसके बाद हम लोग मोराबादी मैदान छोड़ेंगे और नहीं तो अपना जिला वापस नहीं लौटेंगे। अच्छा, सरकार के प्रतिनिधि या जिला प्रशासन के द्वारा आप लोग से कोई मुलाकात करने अभी तक आए हैं? अभी तक कोई नहीं आए हैं। हम लोग तो उम्मीद रोज दिना रखते हैं कि आज फलना मंत्री आएंगे, वो मंत्री आएंगे, चिल्ला मंत्री आएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई मंत्री नहीं आए हैं। जब वोट का बारी होगा तब मंत्री को दिखाई देते हैं, और अभी हम लोग का अस्थायीकरण मांग कर रहे हैं, वेतन मांग वृद्धि में कर रहे हैं, तो कोई अभी तक आता पता नहीं है। दीदी, कितना परेशानी हो रहा है आप लोग को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है हम लोग। बारिश तो आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा बारिश यहाँ होती है, धूप है। हम लोग का यहाँ शौचालय वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम है, आना जाना, नहाना, रहना, खाना पीना, हर एक चीज़ का हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। हम लोग छाता लगा ला के रात भर सोए नहीं, रात में बारिश, इतना परेशानी हो रहा है। हम लोग क्या बताएं, सरकार को ये चीज़ क्यों नहीं दिख रहा? हम लोग जब गए अपना मांगों को लेकर, हम लोग तो अपना हक के लिए लड़ रहे हैं ना, तो उन्होंने हमारे ऊपर लाठियां बरसा दी। हमारे कितने साथी हैं जो भी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जो अभी तक स्वस्थ नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। देखिए, आप बच्चा भी लेके आए, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आई हुई हैं अपना आंदोलन मांग को लेकर। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए, कम से कम वो आके देखे, हम लोग से वार्ता करे। वो इतना देखने तक भी नहीं आ रहे, जब वो बड़ा बड़ा वादा किए थे हम लोग से मिले तो हर एक जिला में जाके कि तुम्हारी सरकार जो थी रघुवर, तुम लोग को ठगा है, तुम लोग को ये कर दिया है, हम आएंगे, हमारी सरकार आने दो, तुम लोग को आगे मतलब कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सीधा नियुक्ति करेंगे, ये झूठा झूठा वादा किया, आश्वासन देते रह गया। हम लोग दो बार आए, दो बार में एक बार लिखित आश्वासन दिया, दूसरा बार में, पहली बार में तो उन्होंने मुँह से आश्वासन दिया कि हाँ कर दिया जाएगा, 7 दिन का भी आश्वासन दे के चले गए, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हुआ। इस बार भी आश्वासन दे के हम लोग को ठगने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। अच्छा, आप लोग के साथ जिला प्रशासन का वार्ता भी हुआ, सीएम आवाज जब घराव करने गए, क्या कुछ बात हुई थी? उन्होंने वार्ता किया, बोला कि हम लोग आपसे मिलवाएंगे, आप लोग यहाँ से जो धरना दिए हैं सीएम आवास के पास आप लोग चले जाएँ, उसके बाद हम लोग का जो आप लोग का जो प्रतिनिधि है वो आके हमारी जब सरकार आएगी, हमें बोला गया कि हम लोग आपसे वार्ता करवाएंगे। तो पता नहीं अभी तक वार्ता हुआ ही नहीं, कब होगा ये तो वही सब जाने। मतलब जब तक आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, वार्ता नहीं होगा, तब तक आप लोग आंदोलन नहीं हटने वाले? नहीं, हम लोग नहीं हटेंगे। हटेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग कुछ तो देगा ना, तो कुछ जवाब नहीं दे रहा, या तो हम लोग को रखिया तो हटा दीजिए ना, कुछ तो करे। अब बोल देता है एक साल का आश्वासन तो क्या, अगले साल फिर आंदोलन करने आएंगे? खर्चा नहीं होता, आने जाने, रहना धोना, बच्चे भी तो हम लोग छोड़ छोड़ के इतना दूर, हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं, हम लोग यहाँ बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग सब ड्यूटी करते हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग से आप ड्यूटी करवाइए अच्छे, हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं तो हम लोग ड्यूटी ही करेंगे,
हम लोग को आप बैठा देते हैं, अभी एक साल का आश्वासन दे रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे एक साल के बाद फिर आश्वासन दीजिएगा, ऐसा कब तक चलेगा? अब ठोस समाधान क्यों नहीं किया जा रहा हम लोग के साथ? एक साल का कितना दिन हम लोग लेंगे? एक साल से ऐसा हम लोग का नहीं होगा। हम लोग ठोस समाधान चाहिए। जैसा हम लोग ड्यूटी करते हैं, समान काम समान वेतन चाहिए। हम लोग ड्यूटी करने में कोई कमी नहीं करते हैं, जैसे जिला बल ड्यूटी कर रहा है, आईआर भी कर रहा है, या तो कोई दरोगा कर, हम लोग उसके साथ 12 घंटा या 24 घंटा का भी ड्यूटी हो तो हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी की है। दीदी, आपकी क्या कुछ मांग है जिसके लेकर आप लोग मोराबादी मैदान में आप लोग पहुँचे? क्या कुछ मांग है दीदी आप लोग? देखिए, मांग यही है कि हम लोग का 60 साल का स्थायी होना चाहिए, जैसे और सिपाही का 60 साल का स्थायी है, वैसे हम लोग का भी स्थायी होना चाहिए। अगर अस्थाई नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से मैदान छोड़कर हटने वाले नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? गढ़वा जिला से हैं। आपके जिला से कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे जितने लगभग 162 टोटल हैं, टोटल लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दीदी, किस तरह का यहाँ पे आप लोग को रहने में परेशानी हो रहा है? परेशानी तो आप लोग भी देख रहे हैं और देखे रहे हैं, बारिश में किस तरह से हम लोग रह रहे हैं, छाता लगा लगा के, रात भर भी नहीं सो पा रहे हैं, दिन में भी छाता लगा के रहना पड़ रहा है, अब बारिश भी हो रहा है, लेकिन सरकार को ये सब हम लोगों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही। और हम लोग कहे कि हम लोग बिना समाधान के बिना जाने वाले नहीं। देखिए, साफ तौर पर जो सहायक महिला पुलिसकर्मी का भी लोग का दिक्कत बढ़ते जा रहा है, बताया जा रहा है कि लोग जो किसी तरह का भी सुविधा यहाँ पे राज्य सरकार या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि 2017 में 12 जिलों में, नक्सल प्रभावित जिलों में जो है सहायक पुलिसकर्मी की भर्ती हुई थी, 2500 से ज़्यादा जो है सहायक पुलिसकर्मी की भर्ती हुई थी, लेकिन जब इन लोग की भर्ती हुई थी उस समय 10,000 जो है मानदेय दिया जा रहा था, जो आज तक इन लोग को 10,000 दिया जा रहा है। इन लोग का साफ तौर पर मांग है जो झारखंड सरकार की पुलिस है उसके साथ समायोजन किया जाए, तथा जो जिस तरह का अभी जो सेवा विस्तार की बात की जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि 25% जो है वृद्धि भी किया जाएगा, लेकिन इन मांगों को लेकर जो है सहायक पुलिसकर्मी साफ तौर इनकार करें। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो झारखंड सरकार के जिस तरह का वेतन दिया जाता है, चूँकि हम लोग भी काम वही करते हैं जो झारखंड सरकार की सिपाही करते हैं, तो इसलिए समान काम का समान वेतन दिया जाए। इसलिए तमाम मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी लगातार मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। इनकी साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरा नहीं होती तब तक ये लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अपने सहयोगी निशित के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।